नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार, टॉपर्स कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सभी सिवानवासी भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर इंद्र प्रसाद की धरती से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर इंद्र प्रसाद एक महान पुरुष थे। उनके जीवन की एक घटना से शिक्षा लेकर के हम भी अपने जीवन को महान बना सकते हैं। एक बार डॉक्टर इंद्र प्रसाद को जो है घाव हो गया था। वे डॉक्टर के पास उसका इलाज कराने के लिए गए तो डॉक्टर बोला कि शून्य का सुई दे करके ऑपरेशन करना पड़ेगा। उस समय शून्य का सुई जो है काफ़ी महंगा पड़ता था। डॉक्टर बोला कि ऐसे ऑपरेशन करने पर आपको काफ़ी दर्द होगा। डॉक्टर इंद्र प्रसाद बोले कि आप दर्द का चिंता मत कीजिए, आपके पास कुछ पढ़ने वाला हो तो आप हमको दे दीजिए और आप जो है ऑपरेशन शुरू कर दीजिए। डॉक्टर बोला कि हमारे पास जो है यह अखबार है। डॉक्टर इंद्र प्रसाद जो है अखबार ले लिए और बोले कि हम जो है अखबार पढ़ना जैसे ही शुरू कर देंगे वैसे ही आप घाव का ऑपरेशन करना शुरू कर दीजिएगा। ऑपरेशन कंप्लीट कर लीजिएगा तब हमको जो है बोलिएगा। डॉक्टर जो है ऐसा ही किया। जब घाव का ऑपरेशन कर लिया, डॉक्टर पट्टी लगा लिया, तब डॉक्टर इंद्र प्रसाद को बोला, तब जो है डॉक्टर इंद्र प्रसाद को जो है उसके बाद दर्द की अनुभूति हुई। ऐसे थे हमारे महान डॉक्टर इंद्र प्रसाद। इतने जो है कॉन्फिडेंस से, इतने जो है एकाग्रचित होकर के वो पढ़ाई करते थे कि उनको जो है दूसरे चीज़ का एहसास ही नहीं हो पाता था। यही कारण है कि वे हर सब्जेक्ट में उस ज़माने में 90 से ऊपर नंबर लाते थे। यही कारण है कि वो जो है इतने महान पुरुष हुए। उनके जीवन से, जीवन के इस घटना से हमको भी शिक्षा लेनी चाहिए और हमको भी पढ़ाई में काफ़ी एकाग्रचित होकर के पढ़ाई में मन लगाना चाहिए। आइए देखते हैं दांडी यात्रा के बारे में। दांडी यात्रा क्या है, दांडी यात्रा के उद्देश्य क्या है, दांडी यात्रा पर कौन कौन से वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आइए देखते हैं। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी समुद्र तट तक गांधी जी ने एक ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। 24 दिनों में 250 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद वे 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। इसे ही दांडी यात्रा कहते हैं। आइए देखते हैं दांडी यात्रा के उद्देश्य। तो दांडी यात्रा का उद्देश्य, दांडी यात्रा का पहला उद्देश्य था हर जगह नमक कानून का उल्लंघन किया जाना। दूसरा, भारतीय छात्रों द्वारा स्कूलों तथा कॉलेजों का बहिष्कार करना। तीसरा, अंग्रेजी विदेशी कपड़ों को जलाया जाना चाहिए। चौथा, सरकार को कोई कर अदा नहीं किया जाना चाहिए। पाँचवा, औरतों को शराब के दुकानों के आगे धरना देना चाहिए। छठवां, भारतीय वकील अदालत छोड़ें और भारतीय सरकारी कर्मचारी अपना पद त्याग करें। सातवां, हर घर में लोग चरखा काटें और सूत बनाएं। आठवां, इन सभी कार्यक्रमों में सत्य और अहिंसा को सबसे ऊपर रखा जाए ताकि पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति हो सके। आइए देखते हैं दांडी यात्रा पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा कब हुआ था? तो याद रखिएगा 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा हुआ था। दूसरा, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किससे की? तो दांडी यात्रा से। तीसरा, दांडी यात्रा किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने। चौथा क्वेश्चन, महात्मा गांधी दांडी यात्रा की शुरुआत कब तथा कहां से की? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से। पांचवा, दांडी यात्रा में महात्मा गांधी के कितने अनुयायी भाग लिए थे? तो 78 अनुयायी। दांडी यात्रा कहाँ से कहाँ तक हुआ? तो साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तट तक। सातवां क्वेश्चन, दांडी यात्रा में कितने दिनों का समय लगा? तो 24 दिनों का। आठवां क्वेश्चन, दांडी यात्रा में महात्मा गांधी अपने अनुयायियों के साथ कितना किलोमीटर पैदल यात्रा किए थे? तो 250 किलोमीटर। नौवां क्वेश्चन, दांडी यात्रा अंग्रेजों के किस कानून के खिलाफ गांधी जी शुरू किए थे? तो नमक कानून के खिलाफ। थैंक यू दोस्तों, आपको हमारा यह मेहनत पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जो भी हम वीडियो आपके पास अपलोड करें
वो वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू दोस्तों।